मैंने सारे फैन किट्स जो है ना सब निकाल दिया था, कल पैक कर दिया था। वेलकम बैक टू माई चैनल। टाइटल से आपको पता चल गया है कि इट्स माई लास्ट डे टुडे। आई ट्राई एंड शूट अगर थोड़ा बहुत कुछ मैं दिखा पाऊँ अपने लास्ट डे का। हो चुकी हूँ रेडी मैं। दिस इज़ माई मेकअप रूम करेंटली। मैंने सारे फैन किट्स जो है ना सब निकाल दिया था, कल पैक कर दिया था। एंड टुडे इज़ 1st of November। दैट्स इट। क्या कर रही है रिकॉर्ड? ले लो, बचाओ पैसे प्रोडक्शन के, ठीक है? लेकिन आज नहीं। तो लास्ट टाइम मेरा टचअप कर रहा है। आते रहेंगे, टेंशन मत लो। आते रहे। अभी तुझे कैसा लग रहा है? अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन क्या कर सकते, क्या कर सकते हैं। और तू क्या प्रार्थना, तू क्या बोल रहा है भगवान को? मैं भगवान को बोल रहा हूँ कि संतु मैडम को यही शो मिले भजन लाल। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ कि मुझे यहाँ पे कहीं आसपास मिले, क्योंकि बहुत दूर है। मैं डेली रात को रोती हूँ कि इतने घंटे मेरे ट्रैफिक में चले गए, इतने पैसे बर्बाद हो गए पेट्रोल में। मुझे मिलेगा नेक्स्ट शो फिल्म सिटी में, और वहीं पे मिलेगा घर से 15 मिनट की दूरी पे, और तू जलेगा। देखो, दुख का कोई माहौल नहीं है, सब सुन है, क्योंकि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। हाँ, जैसे कि अभी ये सब जा रही है, तो हमारे मनीष जी जो एमपी थे वो एसपी बने हैं। संतो जी के लिए और मनीष जी के लिए और नीलेश जी के लिए काट दो। चम्मच के साथ टन 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 पूरा का।
ऐसे तुम भर भर के चिकन खा लोगे। The next day. Hi guys, welcome back. Sorry, welcome back तो क्यों ही होगा क्योंकि इंट्रो तो हो ही चुका है एंड जैसे कि आप सबने देखा ही होगा इससे पहले मैंने कुछ वो क्लिप्स लगाई है जहाँ मैंने लास्ट डे जो मैडम सर का शूट किया था वो जो शूट किया था वो शूट किया है मैंने समझ जो समझदार है वो समझ जाएगा ये सेंटेंस। यस, मैं आ गई अकेले फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम सोलो ट्रिप पे क्योंकि मुझे आना था और ऐसी जगह आई हूँ जहाँ मैं बहुत बार पहले आ चुकी हूँ तो बिकॉज इट वॉज माई सोलो ट्रिप फर्स्ट सोलो ट्रिप तो आई वॉज लाइक कि यू नो कोई थोड़ी सी नॉन जगह पर ही जाती हूँ। आई एम इन गोवा बट दिस टाइम आई एम इन साउथ गोवा क्योंकि मुझे थोड़ा सा पीस चाहिए था थोड़ा आराम चाहिए था तो साउथ गोवा से बेटर और कोई जगह है नहीं तो मैंने सोचा नहीं था कि मैं ब्लॉग करूँगी बट देन आई थॉट कि जितना मन करे उतना कर लो अपना ही वीडियो है अपना ही ब्लॉग है अपना ही चैनल है कर लिया दिखाती हूँ थोड़ा बहुत ही दिखाऊँगी पूरा नहीं दिखाऊँगी आपको ये तो दिखाया नहीं मैंने पहना क्या है मैंने पहना है ये बस कुछ भी नहीं दिख रहा जितना दिख पाया उतने में आप लोग खुश हो जाओ इससे ज़्यादा मैं दिखा नहीं सकती लाइट नहीं है मेरे पास। आओ मैं आपको बताऊँ आज मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हरकत हुई थी। गाड़ी से उतरते मेरा पैर इस पर चला गया था ये बहुत ही अच्छा एक राउंड बना हुआ था लेकिन ये जो पिचक गया है ये मेरी वजह से हुआ है और इसकी वजह से मुझे ये चप्पलें लेनी पड़ी एक्स्ट्रा और ये है मेरी गोबर वाली चप्पल। See next morning. Hi guys, जितना आपने अब तक मेरा ये ब्लॉग देखा है और जितने बार मैंने कहा है कि मैं सोलो ट्रिप पर आई हूँ ये मैंने आपको पागल बनाया है। मैं लाइफ में कभी सोलो ट्रिप नहीं कर सकती। गजब तो भी आ जाती है। अपनी फ्रेंड के साथ आई हूँ अब आप सोच रहे होंगे कौन है ये फ्रेंड किसके साथ मैंने स्टोरी नहीं डाली कुछ फोटो नहीं डाली क्योंकि वो कैमरा कॉन्शियस है और वो है दूसरे रूम में। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे क्यों नहीं दिखा रही मैं क्यों दिखाऊँ उसको आना ही नहीं कैमरे के सामने। मैं बहुत ही ज़्यादा नहीं बोलने लग पड़ी हूँ ब्लॉग में मुझे ऐसा लगता है कभी कभी ठीक है आप लोगों को पसंद आ रहा है ना। आधी अधूरी चीज़ें मैंने शूट की है सेट पे भी लास्ट डे पे पूरा अच्छे से शूट नहीं कर पाई क्योंकि मेरा मन ही नहीं कर रहा था पर फिर भी मैं ऐसी थी कि कुछ तो आपको दिखाऊँ मैं अपने ब्लॉग में कुछ तो थोड़ा बहुत ग्लिम्स मिल जाए आप लोगों को। मुझे पता है मुझे एक बार कॉमेंट सेक्शन पर बताना मुझे पता नहीं क्या हो रहा है लाइफ में 2 महीने में मुझे तीसरी बार इन्फेक्शन काइंड ऑफ हुआ है और इस इतने से पार्ट में हुआ है। अभी मुझे फिर से डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन जो पिछले बार मुझे दिया था मैंने वही देखा और फिर से मेडिकल गई दवाई ली मैंने और अब आके लगाया है मैंने। पेट साफ नहीं हो रहा मेरे इसलिए तो नहीं हो रहा कल मैंने खाई थी पेट साफ होने की दवाई रात को आज सुबह 1 घंटा बाद घूम गई थी। बाप रे मैं क्या क्या बातें बताती हूँ आपको बट मुझे एक बात बताना आप लोगों को अगर ऐसे जो मैं बातें करती हूँ पसंद आ रहा है तो मैं ऐसे व्लॉग्स बनाऊँगी और ऐसे ही कैमरा एंगल सेट करूँगी और ऐसे ही आप लोगों के साथ बातें करूँगी या और ये भी सोच रही थी ये भी मुझे बता ही दो एक ही व्लॉग में सारी चीज़ें पूछ लेती हूँ आप लोगों से कि मुझे ऐसे गेट रेडी विथ मी जैसा व्लॉग बनाना चाहिए क्या हैं बाकियों के मैं देखती हूँ मेरा मन तो करता है कि वाह कितना एस्थेटिक है कितना अच्छा लग रहा है मुझे भी बनाना चाहिए पर फिर जब मैं बनाने लगती हूँ तो मैं ऐसी बातें करने लग जाती हूँ बैकग्राउंड का कुछ लेना देना नहीं नहाई भी नहीं हूँ मैं अभी तक एक बज के गए 1 बजे के ऊपर हो गए खाने का कोई होश नहीं बट एनीवेज आई एम लविंग इट एंड आई होप आपको भी मज़ा आ रहा होगा ये ब्लॉग देख के नहीं आया तो भी मज़े कर लेना और या दैट्स इट। बहुत लोग आप लोग में से वैसे मुझे पूछ भी रहे हैं कि क्यों छोड़ा मैडम सर वापस आ जाओ मैंने इतने बार कह दिया अभी भी मैं यही कहूँगी मुझे पढ़ना है और एक्सप्लोर करना है और अब हो चुके हैं ऑलमोस्ट 3 साल सो आई थॉट व्हाई नॉट कि कर लूँ। अब तक की मेरी जर्नी मैडम सर की बहुत अच्छी थी बहुत मज़ा आया मैडम सर पे ही मैंने आई थिंक मेरा फर्स्ट व्लॉग जो था मैडम सर का सेट टूर था तो वो अच्छी थी जर्नी आई लाइक इट। आप मुझे जिस चैनल पे अब देखना चाहते हैं वो चैनल के इंस्टाग्राम के हैंडल पे जाओ
और उनको परेशान कर दो कि मुझे ले ले एज ए हीरोइन, तो वो मुझे ले लेंगे और मैं आ जाऊंगी नेक्स्ट शो में। अभी मेरा थोड़ा सा ना प्लान अलग है, अब मेरा आगे लाइफ में क्या प्लान है वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी, अभी के लिए इतना ही। ओके, दिस वॉज इट, आई होप यू गाइज लाइक इट, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थोड़ा आगे एक आधा दिन का और मैं ब्लॉग कर लूंगी तो इसी में लगा दूंगी, तो देख लेना आप लोग। ओके, बोलो कुछ तो मेरे घर वालों ने किया है प्लान, जो मेरे को कुछ आइडिया नहीं है, पर मेरे आते ही इन्होंने दरवाजा बंद कर दिया, अब तो खुला था। और भागे भागे मेरे पापा भी आए जो मुझे दिख गए नीचे। चलो खोलो, I'm back home now. अब कल से getting back to work. Work मतलब ऐसा work नहीं कि मुझे दूसरा show मिल गया, अब तक नहीं मिला है। और मैं सोच रही हूँ अभी थोड़ा सा ना social media पे थोड़ा focus करूँ, अच्छी अच्छी photoshoots करूँ, और नहीं बताऊँगी आप लोगों को। उसके लिए आप लोगों को मुझे follow करना पड़ेगा, ये video पूरा end तक देखो, like करो, share करो, subscribe करो। पसंद तो आया ही होगा, नहीं आया तब भी करना ही करना है आप लोगों को।